हेलो हेलो एवरीवन, आज फिर आ गए हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक रिलीजियस प्लेस पे। शिमला में अगर आप आए हैं तो एक बहुत ही अच्छा मंदिर है जो है माँ तारा देवी का मंदिर। ये 7200 फीट हाइट पे है मेन सी लेवल पे, और ये शिमला से है लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पे। तो अगर आप शिमला आए तो यहाँ आ सकते। इसकी हाइट देखो आप पीछे, और हमारे साथ ये दो भगत हैं जिनकी स्पेशल डिमांड थी कि हमें इधर आना है। इन्होंने ये देखो प्रसाद भी ले लिया हमने अब, और हम ये लेके आप जाएंगे। तो पीछे का लोकेशन देखो। हाँ जी, कैसी है लोकेशन? अच्छी है। अभी थोड़ी देर पहले बादल आए हुए थे, अब थोड़ा व्यू देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स, उनके लिए हम कवर कर सकते हैं सारा एरिया। अब ये देखो कितनी हाइट है यहाँ से। बहुत अच्छे रोड बने हुए हैं यहाँ पर। वो पूरा उधर शिमला है, वो है शिमला। और ये हमारी पार्किंग है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी लाओ तो गाड़ी से आप यहाँ पार्क कर सकते हो। और ये बस भी आती है शिमला से। ये देखो हिमाचल टूरिज्म उसकी, हिमाचल टूरिस्ट उसकी रोडवेज की बसेज भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। और ये ऊपर मंदिर है, और ये है एंट्री। यहाँ पर टॉय ट्रेन भी आती है, टॉय ट्रेन का स्टॉपेज भी है तारा देवी मंदिर करके। मंदिर का स्टॉप नहीं, मतलब तारा देवी स्टॉपेज है। हाँ, स्टेशन है। हाँ जी, चलो फिर ये एंट्री है, चले आप ऊपर। चलो चलते हैं, अभी मंदिर में दर्शन करते हैं। लो जी, ये मेन एंट्री है मंदिर की, वो सामने प्राचीन मंदिर माँ तारा देवी का। ये कोविड करके घंटियों के ऊपर कपड़े लगा दिए हैं। सामने मंदिर है, जैसा कि बताया है कि ये बंगाल में जो तारा देवी मंदिर है उसी का सब पार्ट है ये शिमला में। और ये यहाँ पे थोड़ी एंट्री करानी है, फिर अंदर जाना है, करो एंट्री। माँ तारा देवी की थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं यहाँ सर हैं तो बताएंगे। हाँ जी सर, ये हमारी माँ जो तारा है। हाँ जी, ये 10 महाविद्याओं में माँ तारा का दूसरा स्थान है। 10 महाविद्याएं होती है हमारी, जैसे तारा, काली, बगला मुखी, छिन्नमस्तिका। अच्छा। ये शक्तिपीठ नहीं है। ओके। ये आज से 400 साल पहले ये जो हमारे पश्चिम बंगाल से तीन भाई आए थे राजा लोग। अच्छा, 400 साल पहले सेन वंशज के। तो दो भाई हमारे अपने मंडी डिस्ट्रिक्ट चले गए थे। अच्छा जी। एक राज, एक भाई हमारे यहाँ पे जुनगा में जो स्टेट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे बस गए थे। ओके। तो 2-3 पीढ़ियों के बाद जो है एक राजा जो जब थे वो तो यहाँ शिकार खेलने आए थे इस जंगल में। अच्छा जी। तो माता ने उन्हें आवाज लगाई कि मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ और मेरा यहाँ पे मंदिर बनाए है और मैं जो है आपकी प्रजा की रक्षा करूंगी। ठीक है जी। तो राजा ने कहा कि भाई माता मैं ऐसा नहीं मानूंगा, आप मुझे दर्शन दीजिए। ओके। ये बात है तो। हाँ जी, हाँ जी। तो माता ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे इस जगह पे, जुंगा के जो राजा थे। जुंगा के जो राजा थे। ठीक है। तो वहाँ जिस जगह पे राजा ने दर्शन दिए थे वो गाँव का नाम जुगर था। अच्छा। यहाँ से थोड़ा सा एक गाँव है नीचे, वो जुगर। अच्छा, जहाँ पे दर्शन दिए थे राजा जी। तो वहाँ पे राजा ने जो है वो मंदिर बनवाया और वहाँ पे एक पुजारी रखा। ठीक है। तो कुछ 3-4 पीढ़ियों के बाद फिर माता ने कहा कि मुझे ये स्थान अच्छा नहीं लगा। अच्छा। मेरे वहाँ पे सही विधि विधान नहीं हो पा रही। ओके। मैं कहीं अन्यत्र जाना चाहती हूँ। अच्छा। तो राजा ने कहा कि भाई ठीक है, आप जहाँ भी जाना चाहते हो आप मुझे बताइए। ठीक है। तो माता ने कहा कि सुबह आप जब उठोगे तो एक आपके दरबार से चिट्ठियों की कतार लगी होगी। चिट्ठियों की। अच्छा, चिट्ठियों की। वहाँ जुनगा से दरबार से राजा को चिट्ठिया की तार लगी थी, राजा वहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँचे थे स्थान पे। ओके जी। तो फिर यहाँ पे राजा ने ये मंदिर बनवाया था। अच्छा जी। तो यहाँ पे फिर तब यहाँ बना था। अब ये पहले पुराने वाला था, अब ये नया बन चुका है, अभी 2017 में बना है ये जो आगे जो नई कंस्ट्रक्शन है। वो पीछे वाला जो लकड़ी वाला है वो तो बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया था। लकड़ी वाला, ये लकड़ी वाला अब बना है 2017 में। अच्छा, 17 में बना है। जो पुराना मंदिर था वो बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया था। अभी ये फिर माता यहाँ पे स्थापित है। ये अभी इसकी कोई वो क्या नाम है, स्मृति है या हिमाचल टूरिज्म ट्रस्ट है? ये गवर्नमेंट के अंडर है। अच्छा, गवर्नमेंट। और इसका एक ट्रस्ट होता है, वो हर 5 साल बाद बदलता रहता है। अच्छा। लेकिन जितना भी यहाँ पे कर्मचारी
भाई है, हम लोग है, सब गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया हुआ है। अच्छा जी, सरकारी कर्मचारी यहाँ पे। ठीक है जी, रख रखाव जो इनकम होती है सरकार के अंडर। ठीक है सर, ठीक है जी। इसमें माँ मतलब कि शेरावाली माता का नहीं, ये माता तारा है, माता तारा शक्ति पीठ नहीं है। अच्छा, शक्ति पीठ ने कहा ये जो है वो वहाँ पे विराजमान है अपने स्थान पे। ठीक, आप देखिए दर्शन करिए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। बहुत अच्छी स्टोरी बताई आपने। लो जी, ये सारी स्टोरी थी या जो इस मंदिर से रिलेटेड है। जो जुंगा के राजा हैं उनकी कुल देवी है ये, और वो जुंगा के राजा आए थे बंगाल से। और जो अभी पहले अभी जो वीरभद्र सिंह जी जिनकी डेथ होगी, जो पुराने राजा थे बुशहरी रियासत के, उनकी वाइफ भी है, वो भी जुंगा से ही है। तो उनकी कुल देवी है प्रतिभा सिंह जी की, और उनका बेटा विक्रमादित्य सिंह जी जो हैं अभी, तो उनकी कुल देवी है ये माता जी, माता रा माता। तो यहाँ शूज उतार के ऊपर चलेंगे, और बेल्ट वगैरह शायद अलाउड नहीं है अंदर। बेल्ट भी अलाउड नहीं है, लेदर बैग भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये एंट्री कर ली हमने, जूते वगैरह जमा करा दिए, जूते पर्स बेल्ट चमड़े की कोई वस्तु अंदर ले जाना मना है। चलो जी, ये जमा करा के अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। 2017 में ये मंदिर बना है, और एक ट्रस्ट है जैसा उन्होंने बताया, और अभी ये गवर्नमेंट के अंडर है, इसकी मेंटेनेंस वगैरह। इधर कीर्तन हॉल है, ये देखो प्राचीन मंदिर। मंदिर में मूर्ति, घंटी, धार्मिक ग्रंथ, रेलिंग, दरवाजो कुछ ना मना है। क्या चीज अंदर फोन लाओ, बस ऐसे इधर ऊपर बना सकते हो बाउंड्री में। अच्छा, अंदर नहीं है। ठीक है, अंदर नहीं। चलो जी, ये मनते मानी हुई है अपनी अपनी। अंदर फोटो लेना सख्त मना है। चलो जी, हमारा अभी अंदर नहीं जा सकते फोटो लेने के लिए, तो हम अंदर दर्शन करके आपको मिलते हैं। जो अंदर अलाउड नहीं है, यहाँ तक फोन ले जा सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं। देखो ये बार का व्यू, आसपास का अंदर तो अलाउड है नहीं, मोबाइल वगैरह लेना, फोटोग्राफ्स वगैरह। तो ये देखो, अब जबरदस्त बहुत बढ़िया बादल आ गए हैं, देखो ओपन स्पेस आराम से घूमने का। और ये इसके मंदिर की एक स्ट्रक्चर होता है जो लकड़ियों के, ये जो एंट्री होती है ना, इसके बाहर एक लकड़ी का ऐसे बेल टाइप लगाते हैं, जो हवा थी थोड़ी अच्छी आवाज करते हैं ना, टक टक जो आवाज आ रही है। हाँ जी, पहले तो कोरोना करके कवर हो गई है, पर इनकी आवाज। ये पूरा देखो आर्किटेक्चर, ऊपर बीच में लकड़ी का एक आपको मिलेगा जो काम बाहर से दिख रहा है बीम, फिर ऊपर एक पत्थर, फिर लकड़ी, फिर पत्थर। बहुत ही अच्छा। बहुत ही शांति आपको यहाँ मिलेगी, ठंडी हवा, कूल एक। ये देखो पूरा मंदिर का भी देखो। ये देखो बहुत ही अच्छी लोकेशन, एक बार जो यहाँ आए तो इस लोकेशन पे आना बिल्कुल बनता है। वैल्यू फॉर मनी, आप जो यहाँ पे आप कुछ एक्सपेंस करके आओगे, ट्रैवल करके आओगे, तो आपका सफल होगा यहाँ पे आना।
देखो पूरा पीसफुल। पर ये ओपन है, अगर आप गर्मी के टाइम आओ तो यहाँ धूप भी बहुत तेज हो सकती है, तो उस हिसाब से आए, शाम को आए अगर गर्मियों में आ रहे हो तो। ये देखो बहुत ब्यूटीफुल मंदिर, साफ सुथरा। XCM राजा वीरभद्र सिंह जी की वाइफ हैं जो प्रतिभा सिंह जी, उनकी कुल देवी हैं ये।